जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस है, लेकिन सबसे पहले एक बात कि आप सोच रहे होंगे कि सर 20 मिनट क्यों लेट हो गए। तो दोस्तों अचानक से एक प्रोग्राम में जाना पड़ गया था, जहां वैसे टाइम हमारा 10 बजे का था, लेकिन वहां पर कुछ लेट हो जाने के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा सा मतलब अभी जो हमारा एक इंटरेक्शन है इसको 20 मिनट डिले करना पड़ा। तो वहां भी जरूरी था और यहां भी जरूरी था, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आप सभी लोगों का प्यार है जो बना हुआ है तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, जय जय हिंद। तो सभी जय। लोग बोलेंगे एक बार ना फटाफट से एक सुर में एक ताल में, और शेयर कर दीजिएगा अपने दूसरे सभी साथियों के बीच में। मेरे साथ में है मलिक सर जो इंग्लिश के मालिक हैं, और मेरे दोस्तों यहां पर मेरे साथ है सत्यम सर जो रीजनिंग का सत्यम शिवम सुंदरम करते हैं दिन रात। तो चलिएगा एक बार शुरू करते हैं। और आज सबसे बड़ी जो सर शिकायत है ना इन बच्चों की, वो क्या है कि सर आप ना हमसे बात करो, बात नहीं करते हैं, ठीक है? तो आज तो हम यही करने वाले, आज यही करने वाले हैं, ढेरों बातें करने, ठीक है? वाले हैं, आज बिंदास एकदम, आज सबका नाम लिया जाएगा, सबसे बातें की जाएंगी, सबसे बातें की जाएंगी आज, मतलब धमाल करेंगे बच्चा, ठीक है? पढ़ना वढ़ना बिल्कुल नहीं, आज सिर्फ मजे करेंगे। तो जिसको मजे चाहिए बच्चा क्लास में बना रहे, मजे करेंगे बच्चा, क्विज खेलने जीतेंगे आज हम, ठीक है? तो आज का रहेगा शानदार हमारा, ठीक है? आज का दिन सेशन की जो शुरुआत करेंगे वो सत्यम सर की चंद लाइनों से करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली हमारे सारी बाबा ये बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं। एक बार माइक लगा लीजिएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वतन की सर जमी से इसको उल्फत हम भी रखते हैं, वतन की सर जमी से इसको उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं, जमाने को हिला देने की दावे बांधने वालों, जमाने की दावे को बांध, जमाने को हिला देने की दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट से मुझे कि सर जय हिंद जय हिंद, मजा आ रहा है आपको। चलिए बच्चा तो आगे बढ़ाएंगे सर, पहले बच्चे कमेंट कर, सारे बच्चे ऐप पे हैं, चाहे यूट्यूब पे, जो बच्चे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करो आप लोग कैसे हो और क्या है सबके। चलिए तो मुझे एक कमेंट बच्चा क्या दिखना चाहिए हमें कि आप क्या, जय हिंद भाई, आज बिना जय हिंद बात करेंगे नहीं हम, ठीक है? चलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड इसको शेयर कर दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपके कमेंट हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है? एक्चुअल में हुआ क्या कि बड़ी जल्दी जल्दी में भाग दौड़ करके आए, ठीक है? और सत्यम सर तो ऐसे, मतलब सत्यम सर तो गाड़ी से उतर के ही भाग लिए थे, ठीक है, कि भाई जल्दी पहुंचना है। सर कह दो चार मेट्रो स्टेशन बंद थे, कैब की तब आए, ठीक है? तो आधे से ज्यादा आप लोगों से जुड़ना था, तो हम लोगों ने सोचा भाई कि किसी भी हालत में आज कुछ भी हो जाए, थोड़ा लेट जरूर हो जाए, लेकिन हम लोग जुड़ेंगे जरूर, बिल्कुल फिक्स करेंगे। और ईमानदारी से सच्ची बात बताओ, अभी हमारे सामने ना कमेंट भी अच्छे से नहीं खुले हुए हैं, तो वो धीरे धीरे जो हमारे टीम के मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ कमेंट तब तक हम देख रहे हैं, तो एक बार आप लोगों के जो कमेंट है वो आ रहे हैं, सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं, आपकी आपसे बातें भी करने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा दो मिनट का समय लग रहा है जब तक कि कमेंट हमारे सामने आ जाए आप लोगों के, तो अच्छे तरीके से फिर उसके बाद से हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, बहुत डिटेल में सारी चीजों का, और जितने भी आपकी बातें, जितने भी आप लोगों से, मतलब कहते हैं ना कि सर क्लास में तो पढ़ाते रहते हैं, तो क्लास में पढ़ाने का काम होता है, यहाँ पर जितनी भी बातें हैं तो वो सब बातें हम करने वाले हैं। तो एक बार सर कमेंट लेने बच्चों के शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि दोस्तों 26 जनवरी तो आपको आ गई आज, अब जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को है, तो वो कौन सी तारीख को पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार, इस बार जो 15 अगस्त है वो कौन सी तारीख को पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा एक बार कमेंट करके। अगस्त कौन सी तारीख को पड़ेगा बता दो भाई फटाफट, ठीक सर? लड्डू खिलाएं, लड्डू भी खिलाएंगे, जो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा उसको लड्डू भी खिलवाए जाएंगे, ठीक है? और मेरे दोस्तों उसको पेप्सी भी पिलवाई जाएगी, ठीक है? जल्दी से बताओ फटाफट से, जलेबी खाएंगे, तो काजल जी जलेबी वाले हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। देखो संगीता मलिक ने लिखा था 16 का है इस बार, ठीक है, क्या बात है। अंकित दुबे ने लिखा 76, कुछ लोगों ने लिखा 16 तारीख, बहुत बढ़िया, अच्छा इस बार 15 को ही है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, अच्छा 15 तारीख 15 अगस्त को ही है इस बार, बहुत बढ़िया। देखो कम से कम आपको ये बातें पता हैं, तो इसके लिए जरूर आपको, अच्छा सत्यम सर ने एक सवाल आपसे पूछने वाले हैं, तो सवाल देने का, सवाल का जवाब देने के लिए सभी लोग तैयार हैं? एक बार ना थम्स अप दिखा दो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सभी रेडी हैं तो फटाफट पहले तो ये बता दो, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ,
ठीक है, उसके बाद से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मजा आएगा। बस ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न जरा ट्रिकी है। बिल्कुल ठीक है, सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फटाफट ध्यान से देखना और बताना मुझे कि ये क्वेश्चन तो दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पहले हटा देते हैं बाद में। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सर नजदीक आ जाए आप। ठीक है, दीपक का बर्थडे, ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो दीपक से ही ये सवाल है हमारा कि अगर हमें 12.99 को गाना गा के बताना हो तो क्या कहेंगे, अगर हमें 12.99 को गाना गाकर बताना हो तो क्या कहेंगे अपन, एक बार सोचो और फिर आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 12.99 को गाना गाकर के आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, फटाफट एक बार कमेंट कर दो सभी लोग। मलिक सर भी आप ये किसी के बस की बात है नहीं, बता रहा हूँ ये कोई नहीं दे पाएगा। अरे दे देंगे सर, बहुत जीनियस बच्चे हैं, ये नहीं दे पाएंगे। अरे विश्वास करो, ये हमारे चेले हैं, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, कोई नहीं दे पाएगा इसका आंसर। चैलेंज आप सबके लिए, अपने आप एक काम कर लो, अपने किसने फैला दो, अपने बुआ में फुफा में भेज दो, सर इसका आंसर बताओ सबसे, पूछ लो आप लोग, अपने फ्रेंड है होगा तो नो लिखना, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और एक चीज मैं बता दूं, आज मैं करने वाला हूं कंपटीशन, देखो गौरव सर वर्सेज मलिक सर में, और ये सरप्राइज है, इनको भी नहीं बताया था, सिर्फ आपको मालूम है। अच्छा। और इनको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लाइव, ठीक है सर, तो आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना होगा इसके लिए। ठीक है ठीक है, तो देखिएगा गरिमा द्विवेदी ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो आज के जो पहले क्वेश्चन की विनर है वो है गरिमा द्विवेदी, और गरिमा द्विवेदी ने लिखा है कि तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया गरिमा द्विवेदी, बच्चे जीनियस है सर। ये 9.99 को हिंदी में गाकर क्या कहेंगे भाई हम, तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, क्या बात है, शानदार, गुड वेरी गुड, नाम आगे ना, मजा आ रहा है, ऐसा भी ढेरों क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तो कमेंट आपके सामने आए हैं। ठीक है बिल्कुल सर, तो कंप्यूटर जो जीतता है उसका नाम लिखते चलो सबका, तो गरिमा का नाम लिख लो, ये पहले हमारे विजेता है, लिख लीजिए भाई, सबसे पहले गरिमा ने बताया था आंसर, तो गरिमा द्विवेदी का नाम नोट कर लिया जाए, इसने सबसे पहले आंसर दिया, सर सही आंसर दिया बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे देखते हैं, रोशनी पांडे जी ने भी पहले दिया था, कोई बात नहीं, हम बाद में कमेंट में से उनका नाम निकालेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट से कि जिसने पहले दिया है। ठीक है चलिएगा, तो तेरा होने लगा हूं इस बार सबके हो गए हैं, ठीक है अब तो हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है फिर से, तो बीच में कुछ जीके के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होंगे, तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है सत्यम सर की जवानी। चलो सर, सर तो फिर एक बार फिर से हम सवाल पूछते हैं, एक बार सर आप भी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और आप लोग भी आंसर बता सकते हैं अगर बच्चे नहीं आंसर बताए तो। एक बार क्या हुआ, एक कॉलेज में एक नई लड़की आई, नई लड़की की एंट्री हुई, अब जब नई लड़की की या नए लड़के की एंट्री होती तो आप जानते हैं कितनी क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने की, उसके नाम जानने की, तो सभी बच्चे जितने भी विद्यार्थी थे स्टूडेंट थे उसका नाम जानना चाहते थे, तो उसने क्या किया भाई, उसने वो नाम नहीं बताई, वो बोर्ड पर चली गई और बोर्ड पर जाकर उसने क्या लिखा, उसने लिखा 12/01/2021, यानी कि 12 जनवरी 2021 लिखा, और उसने कहा कि भाई मेरा नाम यही है, आप अगर पता कर सकते हो तो पता कर लो। आप लोग बताओ भाई, मलिक सर, आप सर और बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि क्या होना चाहिए उसका नाम, उस लड़की का नाम क्या था, ये बता दो। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से सत्यम सर का क्वेश्चन जो अभी अभी जुड़े हैं उनको समझा देता हूं। एक बार जैसे ही आप लोग कॉलेज में गए, स्कूल में गए नए नए, तो एक नई लड़की आई, आपके दिल में दिमाग में उसका नाम जानने की इच्छा जागृत हुई, तो जैसे ही लड़की से आपने नाम पूछा उसने बोर्ड पे जाके लिख दिया 12/01/2021, अब बताओ क्या नाम है भाई। ठीक है, तो जल्दी से बता दो लड़की का नाम क्या है, मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना जब भी कोई भी सर, जब भी मतलब हम लोग भी पढ़ते थे, अगर कोई भी नया स्टूडेंट आता था, केवल लड़की नहीं, लड़का या लड़की कोई भी, लेकिन यहाँ लड़की से ही लेकर हम इसका नाम बताएंगे, महावीर यादव जी। चलो जी आप बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो ये सर थोड़ा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका थोड़ा मुश्किल है। अशोक भैया कह रहे हैं कि लॉकडाउन, नहीं नहीं भाई ये कैसा नाम हो गया, ये तो नाम ही नहीं है, लड़की का नाम लॉकडाउन होता है, जल्दी 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 इसका नाम मिलेगा, सिग्मा मेल, नहीं 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 सिग्मा मेल भी नहीं, नहीं लॉकडाउन, सिग्मा मेल, कोरोना, कोरोना, कोरोना भी नहीं है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। मैं आपको एक हिंट दे दूं क्या, मैं बच्चों को हिंट देता हूँ, बच्चे बता नहीं पा रहे हैं,
तो चलो बच्चों मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ। पहला हिंट मिलेगा जब ठीक है लाइव। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक, एक मिनट, इस नाम को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये कॉल नेम मतलब हो जाता है प्यार से जब हम बुलाते हैं तो okay. तो हम क्या करते हैं भाई प्यार से नाम बुलाते हैं, उसका हो सकता है कि बच्चे ना बता पा रहे, तो हम इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, कैसा रहेगा? नहीं, जिससे कि बच्चे आसानी से बता सके, यही पे कर दो सर, कोई चलो यही कर देते हैं बिल्कुल। तो ये नाम हम थोड़ा सा सिंपल वही नाम रखते हैं ठीक है, अभी बता दो ठीक है। 2001 लो, अब लड़की को 20 साल छोटा कर दिया भाई, 20 साल छोटा कर दिया लड़की को, फटाफट बता दो क्या होना चाहिए, छोटा कर दिया। अरे वाह, और आंसर आ गया सर, सबसे पहले संजना ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड दैट इज द राइट आंसर। संजना ने बताया है लता होगा, बिल्कुल सही। देखिए 12 जो है प्लेस वैल्यू है एल की और 0 एक प्लेस वैल्यू है, रीजनिंग की नहीं है सर, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ए की ठीक है, 20 जो होता है वो टी की और 0 एक किसका होता है, ए का, यानी कि क्या हो गया, लता था नाम उसका ठीक है, चीटिंग नहीं है सर भाई। सर 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 जी ने ये तो रीजनिंग मार दी बीच में ठीक है सर जी ने, तभी हम भी हिल गए, सर जी ने ना रीजनिंग मार दी बीच में ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, रीजनिंग भी बीच में होनी चाहिए। कंप्यूटर से नाम नोट कर लो, एक लड़की और मिल गया हमें, संगीता, क्या नाम, संगीता मलिक, हाँ, हाँ, संगीता, संगीता का नाम नोट कर लीजिए, संगीता है कि संजना थी, संजना ऑलरेडी नोट हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो एक ये भी सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये थोड़ा जीएस से रिलेटेड है, आपको इसका भी आंसर बताना है, देख लो भाई फटाफट एक बार, क्या है प्रश्न आपके, भारत के संविधान को हाथ से लिखने के लिए जिम्मेदार सुलेखक कौन था ठीक है, और आप सर एक बार ऑप्शन बता दीजिए बच्चों को। बिल्कुल, इसमें देखिएगा आप लोगों के लिए एक जीके का क्वेश्चन भी बीच में है कि भारत के संविधान को हाथ से लिखने के लिए जो जिम्मेदार सुलेखक कौन था मेरे दोस्तों, सुलेख होती है ना, पहले बचपन में आप सुलेख लिखते थे, हाथ से लिखते थे सारी चीजों को, तो यहां पर आप लोग क्या होता, बढ़िया ब्यूटीफुल होता, ग्राफिक क्या होता, ये होता अच्छी लिखाई, मतलब बढ़िया मिठे मिठे मोती फिरो के लिखे उसने ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे मेरे साथियों, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बी एन राव, प्रेम बहरी नारायण राय जादा, या हमारे जो पी वेंगया ठीक है, या फिर हमारा जो है नंदलाल बोस, तो क्या यहाँ पर आंसर बनेगा। अब एक टीम सर आंसर कर रही है बी और एक टीम आंसर कर रही है सी, तो कौन सा यहाँ पर ठीक होगा, तो कुछ लोग जो है बी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं सी, तो बिल्कुल जल्दी से एक बार देखिएगा यहां पर अगर हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, तो जब भी हम बात करेंगे तो एक बार ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा फटाफट से ठीक है। अच्छा ए वाले भी आ गए सर इसके बीच में, इसके बीच में ना दो टीमें हैं, बिल्कुल अभी डी वाले भी आएंगे ठीक है, अभी रुको सारे आएंगे, डी वाले भी आएंगे, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ मुझे आपका इंग्लिश का फंडा, क्या कैली, सर कैली क्या होता है, ब्यूटीफुल बच्चा, ग्राफिक लिखना, ये होता अच्छे अच्छे मतलब मोती फिरो के लिखते हो ना, जैसे स्कूल लिखते हम टाइप से, ए बनेगा। अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं सानू का डी है, अब जिसका बी है देखो, जो बी वाले गलत बता रही है सर, बी होगा, बी वाले गलत है सर, बी नहीं बनेगा इसका, चलिए देख लेते सर, बच्चे बच्चों पे हमें पूरा विश्वास है, डी आ रहा है, टीम जो है वो ज्यादा बता रही है, ये लड़कियां ज्यादा बता रही है भाई, लड़कियां आरू डेविल गर्ल, इसका डी बता रहे बच्चे, डी और बी, सत्यम सर गेम खेल गए। अच्छा जी तो देखो अभी मैंने गेम खेलना, अभी अभी अगर आप लोगों को मालूम हो तो एक मिनट मैंने आपको स्लाइड भी लगाई थी ठीक है, तो सर यहाँ पर कुछ बच्चों ने बी देख लिया था, तो वो तो तीन से एकदम तुरंत पकड़ गए थे, और फिर मैंने तुरंत ना लगा के हटा लिया, तो कुछ सी पर ही रहे, तो ये यहाँ पर मेरे दोस्तों नजरे पहनी है, तो यहां पर हम देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से जो कलाकार हैं वो हमारे यहां पर क्या है कि भैया एक मौका मिला और वो मौका नहीं चूकेंगे। तो दोस्तों प्रेम बहरी जो नरेंद्र थे रायजादा साहब, उन्होंने लिखा था बी, यहां पर आप लोगों का जो है आंसर बनेगा बी बी बी, अपना पूरा सुविधा बिल्कुल ठीक है। और देखिएगा अभी जो सत्यम सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछने वाले हैं, अमिताभ बच्चन को ये बीच में लेकर के आएंगे, तो सर एक क्वेश्चन पूछिएगा जरा, सर बिल्कुल लेकर के आते हैं ठीक है, और धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो क्या आप सभी रेडी हैं भाई, ये जो 60-70 यार इससे काम नहीं चलेगा, 100 के पार पहुंचाओ तब फिर मजा आएगा, तब मजा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, टफ होगा ठीक है, तो ये काम करो, शेयर करते रहो। चलो भाई क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, सर आप लोग भी सुनना ध्यान से ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बच्चा पता है क्या, जो सबसे पहले उसको तो गिफ्ट मिलेगा, हम सबके नाम नोट कर रहे हैं यहाँ पे,
तो सबसे पहले ट्राई करिए आंसर देना सर सही बच्चे, ठीक है, सही देना सबसे पहले देना हमें, तो सब बच्चों को घर पे हमें गिफ्ट देना है। बिल्कुल, चलो तो ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आप, मेरा प्रश्न ये है कि एक बार क्या हुआ ना, अमिताभ बच्चन के घर में आग लग गई। कहां हुआ? एक बार अमिताभ बच्चन के घर में आग लग गई, उनके घर के ऊपर एक एक्सिस बैंक था उसमें भी आग लग गई, और उनके घर के पीछे एक मॉल था उसमें भी आग लग गई। तभी एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस ये सोचने लगे भाई किसके घर की आग सबसे पहले बुझाएं। तो आप क्या हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले वो जब आएगी तो किसके घर की आग सबसे पहले बुझाएगी? ठीक है सर, आप भी सोचो और बताओ हमें क्या होना चाहिए आंसर। प्रश्न आप लोगों ने सुन लिया, एक बार फिर से रिपीट कर दे। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? प्रश्न समझ में आ गया? अमिताभ बच्चन के घर में आग लग गई, ठीक है, आग लगाने की वजह पूछ रहे हैं बच्चे, तो ऐश्वर्या राय या कोई भी हो वो हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन आप उसके नीचे आप लोगों का एक्सिस बैंक था और पास में एक मॉल भी था, तो जल्दी से बताओ सबसे पहले जो एम्बुलेंस है वो आग किसकी बुझाएगी, बता दीजिएगा। बैंक की बुझाएगी, बैंक, चलो बैंक की बुझाएगी, ठीक है ओके ओके। हिमांशु, और मैंने सबसे पहले जो आंसर देखा है, ठीक है, मैं बताऊंगा, आरू का, दैट इज आरू, वेरी गुड आरू, वेल डन, आपने सही किया। कुछ लोग एटीएम बता रहे हैं, कुछ लोग बैंक बता रहे हैं, कुछ लोग मॉल बता रहे हैं, कुछ लोग अमिताभ बच्चन का घर बता रहे हैं, मौसमी इधर मॉल बता रही हैं, ठीक है, और अनुराग ने भी आंसर बताया है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए अनुराग आंसर बताने में। बिल्कुल सही जवाब, सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े, आरू है भाई, खत्म। हाँ, आरू इस प्रश्न की विजेता है, सबसे पहले उन्होंने बताया, राइट बात है भाई, एम्बुलेंस घर की आग नहीं बुझाती है, ठीक है, तो ये देखो अभी भी कुछ लोग एक्सिस बैंक बताए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो एम्बुलेंस घर की आग नहीं बुझाती है, बात आ गई समझ में, मैंने कहा था भाई प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है सर, तो कुछ जीएस के भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। सारी चीजें तो सर आपके अच्छा, 3 मिनट हो चुके हैं। हाँ, आरू और ये संजना और एक सबसे पहले गरिमा द्विवेदी, 3 विनर अभी हमारे सामने निकल करके आए हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का जो पहिया है ये किसका प्रतीक है? जो राष्ट्रीय ध्वज का पहिया है, तो जल्दी से अपना पहिया घुमाओ भैया, ठीक है, बिल्कुल सर, बच्चे मुझे बताओ इसमें तीलियां 24 होती हैं, 25, 26, 27, बताओ, उसके बाद बढ़ते आगे, ठीक है, कितनी होती है तीलियां? ओके मोहित मलिक, तो जल्दी से एक बार बता दो भैया, राष्ट्रीय ध्वज का जो पहिया है वो किसका प्रतीक है? फ्रीडम का, धर्म का, इक्वेलिटी का, या ब्रदरहुड का? और इसमें तीलियां कितनी है, तो तीलियों के बारे में भी आप लोग जो है बता दीजिएगा एक बार जल्दी से, 25, 26, 27, जल्दी से बता दो फटाफट से, 24 होती है 24 24 24। तो सर जी मैं पता है क्या देखना चाह रहा था, 27 भी बता रहे हैं, यहाँ पर मैं एक चीज देखना चाह रहा था कि जो क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगता है तुरंत उस पर पलटी मार जाते हो, ठीक है, आधे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ गए, ठीक है, और 24 तिल्ली पे पहुंच गए, ठीक है, तो भाई तिल्ली तिल्ली से पहले यह भी जरूरी है, जब हम चक्र की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये अशोक चक्र इन द सेंटर, ठीक है, ये आप लोगों का जो सेंटर में अशोक चक्र है मेरे दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा तो देखिएगा, ऑफ द व्हाइट इज व्हील ऑफ द लॉ, ठीक है, ऑफ धर्मा, ट्रुथ और सत्य। धर्मा मतलब अगर हम बात करेंगे यहां पर कहीं ना कहीं, तो बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है धर्म की, ट्रुथ की, सत्य की, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो भी बनेगा, और बाकी पलटी मारने में आप एक नंबर हो, आसान क्वेश्चन की तरफ तुरंत पलटी मार गए भाई, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। तो सत्यम सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से, सर इसका पता नहीं लगा, स्क्रीनशॉट से बाद में निकाल लेंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है, तो सत्यम ज्यादा आंसर देगा उनको एक स्पेशल गिफ्ट होगा हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, ये ध्यान रखेंगे, मतलब इस पूरे क्विज के दौरान सबसे ज्यादा जो क्विज के आंसर देने वाला स्टूडेंट होगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। एक चीज सर, एक चीज, एक नहीं बच्चा, हम उठाएंगे टॉप 10 को, ठीक है, टॉप 10 वो तो हर एक क्विज पर जो मिलेंगे सर वो अलग हो गए, लेकिन जो पहले आंसर दे रहे हैं, अच्छा एक बार से ज्यादा देंगे उनको स्पेशल कमेंट के अंदर, भारत माता की जय, जय हिंद जो है वो गूंज जाना चाहिए, जय हिंद मेरे दोस्तों, आग लगा दो, और साथ में ये भी बता दो कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जो जय हिंद का नारा है वो किसने दिया था, और कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से बोल दो सभी लोग, भारत माता की जय, जय हिंद बोल दो, नारा की बात में बात कर लेंगे, ठीक है, बाकी आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, फटाफट 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 जल्दी से,
धुआं धुआं उठना चाहिए, यानी शादी में पैसे होते हैं ऐसे। ठीक है क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप बताओ ये नारा किसने दिया आपको? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष बोस थोड़ा प्यार से थोड़ा इज्जत से बोलो भाई। नेताजी ने दिया। ठीक है चलिएगा, अगला आप लोगों के लिए फिर से सत्यम सर दो लाइनें आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो सर एक बार जोरा थोड़ा बढ़िया से। इस बार सर मोटिवेशनल कम थोड़ी सी अलग तरीके की होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, प्यार भरी बातें होंगी। सर इस बार अपने स्कूल के दिनों की कुछ बातें बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वो अलग नहीं, स्कूल के दिनों से तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर आप सभी के लिए है, ठीक है, और आप सभी के दिलों तक तो छू जाएगी बिल्कुल 100%, ये गारंटी हमारी। देखो भाई कहते हैं हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह की जज्बात की ऐलान है आंखें, शबनम कभी सोला कभी तूफान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी सोला कभी तूफान है आंखें, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। ठीक है तो कैसा लगा भाई आप सभी को, फटाफट बता दो। और बस, और ये लाइन पता है सर ने कब लिखी थी? ये लाइन सर ने लिखी थी 20 अप्रैल को ऐश्वर्य राय की शादी हो गई थी अभिषेक बच्चन से। सर बहुत बड़े फैन थे, फैन नहीं कह सकते, फैन तो सब होते हैं, ठीक है, सर का प्यार था ऐश्वर्य राय, ठीक है, निक्रस भी बहुत होता है, सर का सच्चा प्यार था, तब से सर 20 अप्रैल को काला दिवस मनाते हैं। काला दिवस, चलो ये तो सिर्फ जोक था, ध्यान मत देना इस पे, ठीक है, भटकना नहीं है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज जीए से ही पूछे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा है आप लोगों का। यहां पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 1,46,385 146,385 शब्दों में भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा शासी दस्तावेज है, मतलब जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, दूसरे नंबर पर किस देश का संविधान आता है? तो इन फ्यूचर अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि भैया भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं, तो आप लोग बता दोगे 1,86,385, इसको भी अभी हम याद कर लेंगे ट्रिक के अंदाज में, तो जल्दी से बता दो युगांडा, केन्या, नाइजीरिया या ये सनम बेवफा पाकिस्तान, बता दो, ठीक है ये है। और दोस्तों देखो ये वैसे रहने दो, बच्चा है हमारा, बालक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी, तो युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। केन्या की क्या है? कंपाला, ठीक है। केन्या की क्या है? नैरोबी। और दोस्तों नाइजीरिया की क्या है? अबुजा, ठीक है। चलिएगा तो क्या बात कहीं सर, प्यार तो नहीं हो गया दोस्त? प्यार होने के बाद इनकार भी हो गया। प्यार तो है, आप लोगों से है प्यार, ठीक, बिल्कुल आप लोगों से प्यार है। चलिएगा तो बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, जो नाइजीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, नाइजीरिया जिसकी कैपिटल अबुजा है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये 66,263 शब्द हैं, तो आंसर बनेगा नाइजीरिया। नाइजीरिया है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो तो, पाकिस्तान का भी संविधान है, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा कितना अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन था ये, मतलब हंसी मजाक भी है, प्यार मोहब्बत भी है, और उसके साथ में कहीं ना कहीं ये ज्ञान वाली बातें भी हैं, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के थे सर 1,46,385, बिल्कुल। सेकंड पर जो है हमारा ये नाइजीरिया है, जो कि बहुत पीछे है, ठीक है। चलिएगा तो बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। चलिएगा तो एक बार फिर से माइक हैंड ओवर जाता है सत्यम सर को, ठीक है सर, बिल्कुल। चलो एक और प्रश्न पूछते हैं, फनी टाइप का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा सर, आप लोग भी सुनिएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं भाई, आप लोगों को आंसर बताना है कि एक बार क्या हुआ, एक बार अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो आपको बताना है कि अफ्रीका में उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी जो दांत का कलर होगा वो क्या होना चाहिए। अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके दांत का जो कलर था, तिथ का कलर, वो क्या होगा, ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फटाफट बता दो।
मलिक सर से बोलो शायरी। ये तो आसान है तो। अच्छा नहीं, आपको नहीं बताना सर, बच्चों को बताना है। देखते हैं मलिक सर की जो टीम है ना, वो अगर आंसर बताती है। चलो भाई कंपटीशन कर लेते हैं, एक सर एक कंपटीशन कर लेते हैं, मलिक सर वर्सेस गौरव सर। मलिक सर की जो टीम है ना, वो हार्ट लिख के फिर अपना आंसर करेगी, ठीक है सर, दिल के साथ में अपना आंसर करेगी। और गौरव सर की जो टीम है वो थम्सअप के साथ में अपना आंसर बताएगी, थम्सअप के साथ में आंसर बताएगी। तो फटाफट एक बार लाइक, अगर आप मलिक सर के टीम में हो तो आंसर हर्ट के साथ में आंसर बता दो कि भाई एक बार सर उस... पहले अपना बता, तुम कितने में साथ हो, पहले अपने दिल भेजो फटाफट। हाँ पहले ये बताओ मलिक सर के साथ में कौन है और गौरव सर के साथ में कौन है, ये तो देखना बहुत कम्प्लीट मतलब मजेदार होगा। चलो मोहित वर्मा गौरव सर के टीम में है, और बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर सर। अफ्रीकन ब्लैक होते हैं, ओके अच्छा चलो ठीक है। ये अनुराग भी, क्या बात है सर, ये आपको जो ऑलराउंडर कौन है वही है आपके साथ में, प्रखर है फिर ये कमाल, वो दोनों के साथ, और गोल्डी यादव है और गौरव सर के साथ में, ठीक है। दीक्षा है मलिक सर की टीम में, मोहित मलिक है, और ये तो थम्सअप दिल, अरे वाह क्या बात है, शानदार शानदार, मजा आ गया। तो फटाफट भाई अब ये तो समझ में आ गया, अरे वाह रुकने नहीं रहा, टक्कर का मुकाबला, टक्कर का क्या बात है। चलिए गौरव सर कुछ लोग लिख रहे हैं एकदम पूरा, चलो भाई ये तो समझ में आ गया। अब फटाफट उस प्रश्न के आंसर बता दो, आगे बच्चों के आंसर। अच्छा आंसर भी आगे थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दांत नहीं होते, कुछ लोग सफेद दांत सफेद बता रहे हैं, बिल्कुल जो राइट आंसर है सर। क्या है राइट आंसर सर बता दो सर, आपकी टीम में से अलग ही बताया कि भाई अगर अफ्रीका में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते बच्चे की दांत ही नहीं होती, तो उसके कलर को कैसे कोई बताएगा भाई, ठीक है। अब कुछ लोग व्हाइट बता रहे हैं, व्हाइट बता रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। मैं जीत गया, मेरे बच्चों ने ठीक दिया है, बिल्कुल आपके लिए मौका हो रहा है। चलो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, और उदास नहीं होना, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे मेरे भाई, ठीक है, तो जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम बता दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या एच सी मुखर्जी या फिर के वी कामत, आंसर कर दीजिएगा फटाफट से। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो फटाफट से मेरे दोस्तों। और इस क्वेश्चन पर सभी का मुखर आंसर आना चाहिए एकदम तगड़े से, ठीक है, तो बढ़िया एकदम मुखर बेफिकर, जल्दी से बता दो आंसर क्या था आप लोगों का, ठीक है, ठीक है चलिएगा, बहुत बढ़िया शानदार शानदार। आपको आंसर केवल ऐसे नहीं बताने, या तो दिल के साथ बताने या तो थम्सअप के साथ में, ठीक है, साथ आया मेरा सही आंसर मेरे बच्चे का। चलो चलो सर ये तो मैंने मैंने बहुत अच्छा हिंट आपको दिया है कि इसका आंसर बिल्कुल मुखर आंसर करना है आप लोगों ने एकदम, क्या बात है, ठीक है, सर ने चीटिंग की तब सर नहीं जीत पाए, अरे सर तो जीतेंगे 100% सर, चलो देखते, बहुत बढ़िया, देखो सबका सी 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 बेहतरीन मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो मुखर्जी साहब थे वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, महा मुखर्जी, वैसे इनका ना जो सरने में वो पूरा मुखर्जी नहीं है मुखर्जी, ठीक है चलिएगा। तो ये गोल गोल आंखें, ये काली काली आंखें, ठीक है चलिएगा दोस्तों। अगला है भारत के राज्य चिन्ह पर कितने जानवरों को दर्शाया गया है, जो भारत का राज्य चिन्ह है मेरे दोस्तों कितने जानवरों को दर्शाया गया है, तीन है, चार है, दो है या एक है, तो जल्दी से बता दो कितने जानवरों को। अपना परिचय दे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अरे ऑलरेडी हम लोगों ने अपना परिचय दिया हुआ है, बिल्कुल, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब बता, पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तभी तो पता चलेगा, एक बार लाइक सब्सक्राइब करो अपने आप पता चल जाएगा सभी के बारे में। चलो ठीक है लाइक सब्सक्राइब कर दो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारे सत्यम सर हैं जो आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे मलिक सर हैं जो एक अंदाज ही इनका मतलब अलग है इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मैं गौरव चौधरी जो आप लोगों को सुबह करंट अफेयर ताजा ताजा पढ़ाता हूँ, तो तीनों का परिचय क्या चाहते हैं पता रहता सब कुछ, ठीक है तो ये है, तो बाकी बच्चों चौका मार, मुक्के पे चौका मार, बिल्कुल पड़ा पड़ा, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जैसा कि कुछ मतलब इसमें ज्यादा टफ नहीं था ये आप लोगों का, तो ये रहे आप लोगों के वो जानवर, जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा,
क्या बात, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बी आंसर हमारा चार बना, और वो जानवर कौन कौन से हैं देख लीजिएगा मेरे साथ में। ये रहा मेरे दोस्तों, हाथी भी है आप लोगों के साथ में है, एक घोड़ा भी है, बुल भी है और लॉयन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार जो है आप लोगों का, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चार 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 याद रखेंगे, ठीक है। चार है, एक पीछे है, बिल्कुल सही आपने बोला, ठीक है। बिल्कुल, और चक्र जो है धर्मा के लिए हम कर ही चुके थे पहले भी। तो यहाँ पर एक घोड़ा है, बुल, इस तरह अभी बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सेम है स्पेलिंग सही का, पूछा हमेशा इसमें ए आएगा, कभी ए नहीं आता बच्चा, ठीक है, सेपरेटेड वाला। तो एक तीर तीन निशाने, मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सत्यम सर की जवानी से। चलिए सर, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ सुना देता हूँ फिर, ठीक है, और ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई 100 पार हो जाएगा तो फिर एक शानदार आपको शायरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन वो 100 पार होगा उसके बाद से। देखो भाई, कहते हैं ना, अभी फिलहाल में सर एनटीपीसी के बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें एक चीज मैं बच्चों को उत्साहित करना चाहूंगा, तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है, बिल्कुल। तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आप लोगों के पीछे ही ये जमाना चलने वाला है, बिल्कुल। और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या मैं करूंगा, जैसा कि आप लोगों के एनटीपीसी के रिजल्ट में मेरे दोस्तों गड़बड़ घोटाला नजर आया था, तो आज मेरे दोस्तों जो एनटीपीसी बोर्ड है, जो आरआरबी बोर्ड है, उसको आप लोगों के सामने झुकना ही पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने उस रिजल्ट को अपोज किया था, नेग्लेक्ट किया था, तरह तरह के कैंपेन मेरे दोस्तों चलाए थे, और उसी के लिए रेलवे एक कमेटी गठित करने जा रहा है, जिसमें आप लोगों का जो रिजल्ट है उसका क्या करेगा, सुधार करके दिया जाएगा। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, वो जो जवानी का रास्ता है, वो रास्ता हमेशा सही रखना, हमेशा सही रास्ते पर चलते रहना। रास्ता अगर सही होगा तो कोई भी आप लोगों के आगे झुकेगा। हमारी जवानी समाप्त हो यार, ठीक है, जवानी अभी तो यार तुम तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते करते जवानी समाप्त हो जा रही तुम्हारी। जवानी है ना, उम्र से जवानी मतलब दिल से होती है, उम्र से जवानी नहीं होती। बिल्कुल, चलिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष में अपनाया गया था? तो मेरे दोस्तों, कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसके चलते 26 जनवरी को ही हमने अपना संविधान जो है वो लागू करवाया था? तो जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से, प्रोस्पेक्टिव से भी, बिल्कुल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोगों का, पूर्ण स्वराज या फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जल्दी से बता दीजिएगा किस चीज के चलते 26 जनवरी को ही आप लोगों का जो है ये मेरे दोस्तों आप लोगों का क्या हुआ था, हमारा जो है संविधान अपनाया गया था या लागू हुआ था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 1930 की बात है, उस टाइम आप बहुत छोटे छोटे थे तो आपको ध्यान नहीं होगा, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। बिल्कुल सही आंसर यहां पर सभी ने दिया, तो चाहे दिल वाले बच्चे हो चाहे थम्सअप वाले बच्चे हो, सभी का आंसर जो है सही। हम 30 साल के हो गए तो मतलब फिर हम तो बेरो क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए होंगे, ठीक है, चलिए। अरे तो बताओ 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 सर, ये जो हमारे सत्यम सर है ना भाई, हेमा मालिनी के टाइम पे एक बार इनका दिल टूटा था, ठीक है, जब जब हेमा मालिनी ने अपनी पहली और धर्मेंद्र की दूसरी शादी हुई थी तब इनका दिल टूटा था, ठीक है। उसके बाद ऐश्वर्या राय की शादी हुई तब सर का दिल टूटा, अभी रिसेंटली भी टूटा कटरीना कैफ, और अभी उससे सर उभर ही रहे हैं। तो तीन तीन बार सर दिल टूटवाने के बाद भी बोल रहे हैं कि अभी मैं सर पूरी तरह से जवान हूं, और जवानी जिधर चला रहे जमाना भी उधर चला रहे। बता दो भाई सबसे यंगर कौन, ठीक है, फटाफट बता दो एक बार, सभी लोग बताओ, कमेंट करो भाई, मैं आप लोगों का वेट करता हूँ। देखो हार्ट और दिल तो आप भेज दिए, फटाफट एक बार मैसेज करो जल्दी से, क्या बात है, सत्यम शिवम सुंदरम, वाह वेरी गुड, आराम से सोच समझ के बेटा देख के, ठीक है, चलिएगा। तो एक बार जो है फिर से अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइएगा, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए।
तो दोस्तों यहां पर क्या है कि 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे हमारे? ये थे भाई, देख लो, बता रहा हूं। ठीक है, नाम ही बताएं तो। बिल्कुल, तो देखिएगा मुख्य अतिथि, आप टॉपी से बता दो भैया कहां के थे ये, ठीक है, टॉपी से बता दो, टॉपी से कहां के थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा यहां पर, ये कौन थे आपके, किंग त्रुभन वीर विक्रम शाह, ठीक है, या किंग जिग्मेडोर जी, प्रेसिडेंट सुकर्नो, या किंग नॉरडोम, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इसका सी बोला कुछ बच्चों ने, बी चलेगा, बहुत ही बढ़िया शानदार मेरे दोस्तों, जिन्होंने बताया है कि अगर हम बात करेंगे तो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे आप लोगों के, ठीक है, बिल्कुल आंसर कर रहे हैं सर, बच्चे करंट अफेयर पढ़ते सुबह सुबह ताजा ताजा, ठीक है, तो चलिएगा, बहुत बढ़िया शानदार। तो दोस्तों कौन थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो, ठीक है, किसी और की हो गई अभी, ठीक है, अब नहीं है, देख रहा, दिल टूट गया बेचारे सर का, क्या करे, चलिएगा, अब और कोई देखते हैं, ठीक है, और कोई देखते हैं, चलो, तो एक ना अब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सत्यम सर लेकर के आएंगे, तो एक बार हम ना लास्ट में चलते हैं कुछ चीजों को लेकर के, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ फिर उसके बाद से लास्ट में चलेंगे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी सुनिएगा सर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि एक आदमी के 6 भाई हैं, एक आदमी के कितने भाई हैं, 6 भाई हैं, ठीक है, और हर भाई के 6 भाई हैं, एक आदमी के कितने भाई हैं, 36 बता रहे सर, देख लो, ठीक है, एक आदमी के 6 भाई हैं और हर भाई के 6 भाई हैं, तो बताओ कुल कितने भाई हैं, बिल्कुल, और ध्यान रखना ये बीच वाले आदमी आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, कि इनाम ना देना पड़ता है, हाँ हाँ सही बात है, पहले ही 36 बता रहे, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, बिल्कुल सावधान, ठीक है, इस आदमी से सावधान, ठीक है, फटाफट एक बार फिर से बता दो भाई, अब बहुत लोगों के आंसर आ गए, और मुझे सबसे पहले जो राइट आंसर दिख चुका है मैं बताऊंगा नहीं, मुझे दिखा है महेश का, ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह, कमेंट आने शुरू हो गए लगातार, फटाफट कर दो भाई जल्दी, जितनी जल्दी आंसर करोगे, 135 किसने, नो कैसे आएंगे, और 135 यार, 135 42 135 कैसे यार, बात है, डबल सेवन डबल डबल ये 43 कुछ भी, 35 वालों, मतलब वो कुछ भी, अरे भाई हैं भाई और कुछ नहीं है कि कुछ एक दो दाए भाई हो, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, 178 वाह यार, खेल गए फिर, सही खेल गए, चलो तो राइट आंसर है सर इसका, राइट आंसर इज 7, बिल्कुल भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका, 7, एक आदमी है और उसके 6 भाई है, तो टोटल कितने हो गए, 7 भाई, 7 भाई, अब हर एक भाई के कितने भाई होंगे, 6 भाई होंगे, यानी राइट आंसर इसका क्या था, 7 इज द राइट आंसर था, बात आ गई समझ में, ठीक ठीक, तो एक बार सच में सर चलते हैं लास्ट में, थोड़ा सा कुछ इंटरटेनिंग करते हैं यहां से, बिल्कुल, ठीक है, तो भाई अब आपको क्या होगा, आपको कुछ आकृति दिखाई जाएगी और इसमें या तो लड़की का नाम या फिर मूवी का नाम बताना होगा, तो क्या आप सभी रेडी है, फटाफट एक बार स्क्रीन पर देखिए, इस फिगर को जोड़ कर के आपको बताना, ये जो लड़की यहां सुंदर सी दिख रही है इसका नाम क्या होगा, फटाफट बता दो, देखो भाई ऐसा आदमी को ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हेमा मालिनी गई, ऐश्वर्या गई, कटरीना गई, तीनों गई, लेकिन फिर हम एक सुंदर लड़की लेके आए, जो भी आंसर करेंगे हम लोग कमेंट बॉक्स से निकाल लेंगे, सबसे पहले आंसर कौन करता है, ठीक है, कर दिया एक बंदे आंसर, हाँ बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, ये तो आसान से सवाल निकला, ये तो बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कुछ पिंकी भी बता रहे यार, पिंक चलो हो जाएगा, चलो इस क्वेश्चन, ये पिंक नहीं, अच्छा हाँ, देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या है सर, रिंग, और ये क्या है, की, चलो इसको दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, रिंकी, कुछ लोग नगीना भी बता रहे हैं, बता लो भाई, देख लो फिर, मतलब नहीं नहीं चलो आंसर क्या हो जाएगा सर, अब आगे बढ़ते हैं, कभी रिंकिया के पापा आ जाएं, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ज्यादा देर रखना सही नहीं है, क्योंकि रिंकिया के पापा आ सकते हैं, आ जाओ भैया, ये रहा, ये देखो, अब यहाँ भी आपको लड़की का नाम बताना है, ठीक है, ध्यान से, लड़कियों का नाम क्यों पूछते हो आप, क्या हो जाएगा, लड़कों का भी नाम पूछ लूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है, अब देखो ये भाई आपको दिख रहा है एक फिगर, इन दोनों फिगर को जोड़ो और बता दो लड़की का नाम होगा सर, ये क्या रा, हाँ रा लिखा हुआ है सर, रा लिखा हुआ, आप भी ध्यान से सोचो सर, सोचो सोचो सोचो, मकड़ी रा क्या होगा, मकड़ी रा, मकोड़ा रा, चीटी रा, ऐसे क्या होगा, क्या होना चाहिए, चलो फटाफट जल्दी से बता दो फटाफट से, अरे वाह आंसर आने शुरू हो गए सर, क्या बात है, क्या बात है, शानदार, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, चीटा, चीटा क्या होता है, चीटी, चीटी कुछ भी, मतलब कुछ भी,
अंग्रेजी वाले मास्टर सर क्या सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हो चींटी कैसे भाई सुनो सुनो अभी ताजा ताजा मामला है कटरीना कैफ की शादी का सर के दिल पे भी चोट लगी है ठीक है तो सर थोड़े से कंफ्यूज हैं ठीक है तो कोई दिक्कत मत मानना ठीक है नोट चित्रा इट्स अंतरा ठीक है अंतरा भाई चित्रा कहाँ से दिख रहा है चले बड़े चलिए चलो यहाँ भी बता दो लड़की का फिर से लड़की का नाम वंस अगेन लड़की क्या नहीं सर आएगा हाँ ये देखो क्या है गाय और फिर ये पेड़ है बिल्कुल सोचना है बैल भी हो सकता है जरूरी नहीं है बैल गाय पेड़ भैंस तो देखते गाय लगती शरीफ सा जो भी है शरीफ सी है शरीफ सा नहीं शरीफ सी है अच्छा चलो ठीक है फटाफट बता दो भाई गुड आफ्टरनून स्वीटी जल्दी से आंसर बता दो जल्दी से सारे आंसर आने लगे क्या बात है शेयर कर दो यार शेयर नहीं हो रहा है फिर मजा नहीं आएगा फिर शेयर करो फिर तो अभी और मजा आएगा फिर दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा ये किसके लिए है मलिक सर मलिक सर क्या बात है देखिए बच्चे कैसे कमेंट सर मेरे वाली रो रही है मेरे वाली असली है मेरा छोड़ने बाद वो चलो बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सर क्या होना चाहिए भाई ये है गाय ये है ट्री तो क्या हो जाएगा गायत्री बिल्कुल गुड गायत्री इज द राइट आंसर क्या बात है ठीक है बच्चे इंटेलिजेंट सही है चलिएगा बिल्कुल चलिएगा अगला क्वेश्चन मूवी का नाम करते हैं अब यहाँ सोचो सर यहाँ मजा आएगा सभी को सोचने में अभी तक तो आसान आसान सवाल मिल रहे थे क्या जीरो है वो आप जो समझो सर जो समझो ये बच्चों को समझना है बच्चों को समझना पैसा अब सोचो बिल्कुल सोचो फिर आंसर बताओ इन दोनों आकृतियों को मिलाना है और बताना है मूवी तो बहुत देखते होंगे ना मूवी के बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा है सेवंथ स्टैंडर्ड से ही देखने शुरू कर देते हैं तो जल्दी से बता दो और जो सबसे पहले आंसर बताएगा भाई उसी को प्राइज मिलने वाला है ये बिल्कुल आंसर बाद में बताते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबसे पहले बताना है और सबसे पहले हमारे पास आंसर आ गया है क्या बात है और सर 102 जीरा बता रहे हैं 102 क्या बात निधि ने निधि कश्यप ने जो ऐप पर है उन्होंने सबसे पहले मुझे आंसर बताया है फिर उसके बाद से इधर यूट्यूब पे भी बता रहे हैं आंसर वेरी गुड मूवी नहीं देखती देखा करो भाई देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा देखो ये है गोल और ये है माल पैसा मनी यानी माल गोल माल हो गया गोल माल तो देखी हो ठीक है बहुत बढ़िया चलिएगा बहुत बढ़िया सर मजा अभी तो बिल्कुल अब ये देखो क्या जल्दी से बता दो यहाँ पर है बंदूक और यहाँ पर है सूरज या जो कुछ भी आप समझ लो इससे फिगर को समझो आप बस बस और बताओ गेस दी मूवी नेम आप भी सोचो सर मलिक सर आपके लिए भी है आपके बच्चे भाई अगर मलिक सर के बच्चे आंसर बता रहे हैं ना तो हर्ट के साथ में भेजो बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा देखते हैं और अगर नहीं बता पाए फिर आपके पास आएगा सर टर्न फिर गौरव सर के पास टर्न बस तो ऐसे कर चलो तो हर्ट के साथ में आपको नाम बताना है देखते हैं कितनी जल्दी नाम बताते हैं बता दो जल्दी से ये है दोस्तों क्या जल्दी से बता दो ये है बंदूक और ये है सूरज या जो कुछ भी आप समझ लो बिल्कुल देखो ना खुद बताओ हमें कुछ हिंट नहीं देना है कुछ भी नहीं बताना फिर तो गड़बड़ हो जाएगा गायत्री हो गया अब आगे बढ़ जाओ और फिर आप लोगों को यार अभी ये 99 चल रहा है यार नहीं 103 चल रहा है सर 103 103 चल रहा है फिर थोड़ा सा और आगे सब करो और बढ़ाओ तभी मजा आएगा जितना ज्यादा कंपटीशन उतना मजा आएगा बिल्कुल बिल्कुल फिर आपको सर डांस का दिखाएगा डांस कर ठीक है फिर यहाँ पर जो है आंसर आ गए भाई क्या बात है वेरी गुड आलोक के आंसर में सबसे पहले दिखे हैं वेरी गुड आलोक गुंडे गुलशन क्या बात है भाई तूने मेरी इज्जत बचा लिया अच्छा देखिए सर आलोक ने किसके साथ में भेजा एक बार नीचे करना है तो कमेंट करो भाई दिल है दिल है देख लेते हैं गौरव सर की टीम की कौन है आलोक ने आंसर बताया नीचे एक बार लाल लाल दिल है दो तीन बिल्कुल बिल्कुल आलोक के आंसर दिख रहे हैं सर यहाँ पे गुंड सर सारे दिल है बिल्कुल सर भाई तो कहाँ हो यार गौरव सर वाली टीम कहाँ हो जा चुके सारे ये जीत रहे हरीश सर सर दिल तो नहीं होगा सर सबसे पहले हिमांशु ने बताया है दिल हो या फिर थम्सअप हो ठीक है हम भी मलिक सर के ही है क्या बात है चलिएगा गौरव सर इज द बेस्ट किसने बताया पहले सबसे पहले एक हिमांशु ने बताया हिमांशु ने बताया ना हिमांशु कोटा बताया और राइट आंसर है गन और ये है डे का सिंबल ठीक है तो गुंडे हो जाएगा गुंडे हो गए सर गुंडे इज द राइट आंसर ठीक है बढ़िया अब सर गुंडे बुलवाएंगे दिल तोड़वा के ठीक है चलो भाई अब इसके आगे बढ़ते हैं अगला अच्छा एक बिल्कुल बिल्कुल एक शायरी आ रही है आप लोगों के लिए कम ये मोटिवेशन ज्यादा रहेगी ये मोटिवेशन है तो मोटिवेशन इसको सीरियसली अपने लाइफ में उतारना है सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो
सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां कोई किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। ठीक है, तो बस यही लाइनें हैं, आप हमेशा इसको जीवन में उतार कर रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते। तो सर ने बहुत अच्छी लाइनें यहाँ पर बोली, तो सर के लिए इरशाद इरशाद इरशाद। और एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद लिख देंगे सभी मेरे साथी, सभी मेरे देशवासी। ठीक है, सब आ गए, सब सब बच्चे सर यहीं पर हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, गेस द मूवी नेम। ठीक है, ये बताना तो आपको मूवी का नेम बताना, कुछ बच्चों ने बताना शुरू भी कर दिया था। ठीक है, मूवी नेम आप देखो भाई किस हिसाब से होगा। ये आसान है, तो आसान है आपके दिमाग में आ गया। इस बार आंसर बताएंगे गौरव सर। बिल्कुल सर, देखिए सर, बच्चों ने इतना मतलब शानदार तरीके से बताना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया शानदार। तो ये क्या है, अग्नि है, और ये क्या है, पथ है। तो अग्नि पथ, अग्नि पथ, अग्नि पथ। दोस्तों एक बात, अब यहां पर थोड़ा सा सीरियस मोड में एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि देखिएगा, ये मौज मस्ती हमेशा चलती रहेगी, हमेशा इसको हम चलाते रहेंगे। लेकिन इसके साथ आज हमारा गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस पर अभी मेरे सभी साथी, जितने भी मेरे सभी प्यारे दोस्त भाई बहन, जो भी आप मुझे मानते हो या जो भी हम सबको मानते हो, तो एक आज कसम खाएंगे, शपथ लेंगे कि इस बार हम सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आप लोगों को एक भी मौका नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि मौके बार बार जो है वो नहीं मिलते हैं। तो उसी के साथ में हमने अपनी तैयारी, SSC का पूरा कैलेंडर हमारे सामने है, टीचिंग के क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, टीचिंग के सारे एग्जाम हमारे सामने है। ठीक है, ठीक है, शादी हुई है या हुई नहीं है या नहीं है, मेरी तो पता ही नहीं, मेरी तो डेट भी बता देंगे। ठीक है, ये देख लो, चलिए, इनका हो चुका है काम तमाम। तो इस बार जो है सिलेक्शन लेकर के रहना है, ध्यान रखिएगा, और उसमें हर मोड पर हम आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। मोटिवेशन भी जरूरी है और थोड़ा सा फन भी जरूरी है, क्योंकि प्रेशर इतना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिन रात पढ़ाई करते समय। तो ठीक है, स्पेशली ये जो सेशन है ना, हम लोग इसीलिए लेकर आए थे कि बच्चों का जो प्रेशर है वो रिलीज हो सके, और फिर अगले दिन यानी कल से जब हम जुड़े तो फुल एनर्जी के साथ में जुड़े, और वो क्लास में एनर्जी दिखनी भी चाहिए। पूछ रही प्रीति जी, मैरिड है सत्यम सर, कौन पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है सत्यम सर, ठीक है, अभी वैसे तो मैरिड नहीं है, ठीक है, लेकिन दिल कभी भी कहीं भी आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल, आज अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे, हम लोग अपने बारे में भी बताएंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। देखो मेरी तो सर ने मैरिज एनिवर्सरी की डेट भी बता दी, 15 मार्च। ठीक है, नहीं नहीं, लव यू आप सबको भी बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लास लो, ठीक है, इंग्लिश वाले हां पे निकलती आती है। चलिएगा तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत, कुछ क्वेश्चन जीएस से कर ले क्या, फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन जीएस से कर लेते हैं, जीएस से कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा, संविधान के कौन से संशोधन जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा करके 6 कर दी गई थी। एक तो होता है ये वाला में, ये क्या होता है, गलतियां सुधार, लेकिन ये वाला क्या होता है, सिर्फ संविधान में क्या करना, चेंजेस करना। बिल्कुल, तो देखिएगा यहां पर ना सर ने दो बातें बताई इंग्लिश वाली भी, कि एक अमेंड ये वाला भी अमेंडमेंट होता है और ये अमेंडमेंट होता है। तो जो नीचे वाला होता है वो केवल संविधान में यूज होता है, और ऊपर वाला जो है वो गलतियां सुधारने के लिए यूज होता है। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर जो कौन से संविधान संशोधन में, तो कुछ लोगों का आंसर जो सी आ रहा है, बिल्कुल सर, बच्चे सर बच्चे बता रहे हैं यहां पर, 52 कौन बोल रहा है, 52 एक दो सर बच्चे हैं, कोई बात नहीं, नादान है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी हम बात करेंगे यहां पर, जो हमारा 44th आंसर सी, बिल्कुल सही, साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, और आर्टिकल 300A, ठीक है, बिल्कुल 1978 में। तो यहां पर जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था मेरे साथियों,
देखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो 1976 है, ठीक है, वो 1976 है, लेकिन यहां पर जो है आप लोगों का ये 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 है, उसको आप लोगों ने यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। अब यहां पर देखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ये मुझे पता है इसका भी। बिल्कुल, तो जल्दी से बता दीजिएगा, आपको पता है इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे अरे क्या बात है सर, ऐसे मत बोलो फिर, बच्चे हमारे बच्चे बताएंगे भाई, जितने बच्चे हैं सत्यम सर के नाम से एक बार हर्ट लगाओ फिर, और फिर आंसर बताओ। बिल्कुल विकास, पहले बच्चे बताएंगे, बच्चे नहीं बताएंगे फिर मैं बताऊंगा, दिल वाले मेरे हैं, नहीं 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 नहीं, दिल वाले मेरे हैं, इस बार लगाओ यार, बताओ जल्दी से आंसर बताओ, इज्जत सत्यम सर की इज्जत। बहुत बहुत शानदार शानदार शानदार, ठीक है, तो 22 यहाँ पर आप लोगों का जो है आ जाता है, क्या बात, ठीक है। तो चलिएगा अब एक दो ना बीच वाले वही वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं, आपके वालों पर, तो आ जाइएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाँ, फटाफट बता दो भाई, क्या है, जल्दी से बता दो, ये तो बहुत अच्छी मूवी है, मुझे पता है, मैं बताऊं सर, नहीं अच्छा ऐसा पता है, चलो सर आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा इसके बाद, वहाँ आपको आंसर करना है सर, एक क्विज होगा जो मैंने कहा था ना क्विज, ये अब स्टार्ट होने वाला है, गौरव सर वर्सेस मलिक सर, दोनों से एक साथ ही क्वेश्चन पूछूंगा और वही मैं ही पूछूंगा फिर, ठीक है, तो उसके लिए रेडी हो जाए एक बार सभी लोग। अच्छा आंसर आने शुरू हो गए इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है, एक बार देख लीजिए सर क्या है आंसर, एक बार फटाफट देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है, आंसर बता दिए सभी लोग बता दिए। सत्यम सर ने कसम खाई है कि कटरीना को छोड़ूंगा कहीं भी नहीं, ठीक है, चाहे क्वेश्चन में ही आए, आएगी जरूर, ठीक है। तो ये कौन है भैया, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, ठीक है, चलिए नमस्ते इंग्लैंड भी कुछ लोग, ठीक है, ये कौन सी मूवी रिलीज कर दिया, नमस्ते इंग्लैंड, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सत्यम सर कुछ सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल, इसके बाद पूछते हैं, ओके। एक क्वेश्चन ये रहा, तो गेस द मूवी नेम, ये कौन सी मूवी, ठीक है, दोस्तों एक और मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि अगला जो इसी तरह का एक टकाटक शो है ये वाला आप लोगों का, वो अगला आपका आएगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर, ठीक है, बढ़िया वाला, लगाओ अपना दिमाग, बताओ गेस द मूवी नेम, ठीक है। तो देखिएगा ये सत्यम सर, ये सत्यम सर की कार और वो क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या है आंसर, ये टफ है सर, ये वाला एक छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर आंसर आंसर, कार, इनकार, 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 सरकार, इनकार, सरकार, पुरस्कार, पुकार, वाह क्या सारे आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं आंसर, ठीक है, नमस्कार, नमस्कार, संस्कार, संस्कार, सोचकर, ठीक है, पुरस्कार कौन सा आंसर, लड़कर भी है, सरकार, एंड द राइट आंसर इज, देखो भाई यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, सर, और ये क्या दिख रहा है, कार, तो क्या हो जाएगा, सरकार, बॉय कार कौन सा फिल्म है भाई, बॉय कार किसी ने लिखा था, बॉय कार मतलब कुछ भी, बेबी ड्राइवर, ये देखो बेबी ड्राइवर, ये मतलब उसके हॉलीवुड की फिल्म, बेबी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, हॉलीवुड की, अच्छा हॉलीवुड की मूवी है बेबी ड्राइवर, ओके ओके सर, चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं, रेडी हो जाओ फिर आप सभी लोग रेडी हो, और ये क्वेश्चन हमारा मैंने बोला था जैसा कि इस बार होगा गौरव सर वर्सेज मलिक सर, तो भाई एक बार रेडी हो जाओ, पहले पहले तो थम्स अप कर दो, रेडी हैं आप लोग सुनने के लिए भाई, आप देखने के लिए रेडी हैं, गौरव सर वर्सेज मलिक सर दोनों सोच रहे कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहले जो आंसर देना है भाई, सबसे पहले आंसर नहीं बताना आप लोग को, हैंड रेज करना है बताना है, रीजनिंग टाइप का नहीं है सर, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, फनी टाइप का क्वेश्चन है आपका, सर के प्रश्नों से डर लगता है, दिल चले आदमी कोई भी कह सकता है, ये तो वही बात हो गई कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सर के प्रश्नों से डर लगता है, चलो ठीक है रेडी है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा, एक बार धोनी ने जडेजा से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, धोनी ने जडेजा से क्या मंगवाई, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, लेकिन जडेजा जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो धोनी के पास नहीं गया, वो रोहित के पास चला गया, ऐसा क्यों, अच्छा वो किसके पास चला गया, रोहित के पास चला गया, ठीक है प्रश्न, तो सर का प्रश्न है एक बार जल्दी से सुन लीजिएगा सर का प्रश्न, आंसर आप लोग बिल्कुल कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, ठीक है, ये सोच रहे सर, ये बताते बताते, लेकिन वो रोहित शर्मा के पास चला गया, रोहित के पास चला गया, तो बताओ क्या क्यों, क्या है आंसर, क्यों क्यों क्यों,
ठीक है बता दो भाई फटा। अच्छा चलो भाई, अब आप लोग सर तो आंसर नहीं बता पा रहे, आप लोग आंसर बता दो और जो भी थम्स अप करके बताना गौरव सर के अगर आंसर है तो, और अगर मलिक सर के भाई आप स्टूडेंट हो तो फटाफट आंसर कर देना। धोनी के साथ में धोनी पिच पर थे? नहीं, क्योंकि धोनी खेल रहा था। राइट आंसर दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ये तो ठीक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हम, आंसर पहले कोल्ड ड्रिंक पे धोनी की ड्रेस। सर मैं पहले बच्चों से एक बार देख लूं ना, बच्चे बता रहे बिल्कुल। आंसर इतने स्लो क्यों? ठीक है फटाफट आंसर कर दो। ओके जडेजा टीम का कैप्टन? नहीं भाई। ओके कैप्टन कूल खेल रहा था तो फिर कोई नहीं बता पाए, बच्चे भी नहीं बता पाए, सर भी नहीं बता पाए, तो इसका आंसर फिर मैं फाइनली बताता हूं। क्योंकि रोहित क्या है भाई, ओपनर है, तो कोल्ड ड्रिंक मंगाया गया तो सबसे पहले उसे ओपन करना पड़ेगा, इसके लिए वो रोहित के पास चला गया था क्योंकि रोहित ओपनर है भाई, बता दो ठीक है। क्यों गया था भाई? क्योंकि रोहित क्या है, ओपनर है, ठीक है, ओपनर तो चाहिए कोल्ड ड्रिंक को ओपन करने के लिए। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन भाई, बढ़िया चलिएगा। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो तो दोस्तों, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तो आ जाइएगा इस क्वेश्चन पे, मूवी का नाम बता दीजिएगा। इंग्लिश में प्रश्न पूछो, पूछो नहीं देखी बता पाएंगे। अच्छा देख लो बच्चे ये कर रहे हैं इंग्लिश में, अच्छा जी सही, क्या बात है, सही बोल रहे। देखो अच्छा सर, तो देखो मैं सर से अगर आ गया ना, मुझे अगर गुस्सा आ गया, सुनो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सर से इंडोनेशिया युगांडा वगैरह के प्रधानमंत्री पूछना शुरू कर दूंगा भाई, ठीक है भाई। अब आज का जो भी है क्वेश्चन पूछने की, कोच तो मैं ही हूँ भाई, ये लोग तो प्लेयर के रूप में है, तो आज तो पूछूंगा अपन ही, ठीक है फटाफट। ये देखो आंसर भी आ गया, गेस दी मूवी नेम, मूवी का नेम बताना है, ठीक है। और ये यहाँ पर है, आप देख लो जो भी फिगर दिख रहा है, यहाँ पर एक तिरंगा दिख रहा है, और फिर आंसर कुछ बच्चों ने बता भी दिया है, मैं उनके नाम बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप देखो, आप लोग सोचो ये आंसर आपको बताना है, मुझे बताइए। वहां देख लिया आपने, चीटिंग की ना, मलिक सर ने चीटिंग की भाई, यहाँ पे मलिक सर ने चीटिंग की, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चल नहीं, यहीं पर बताना है फटाफट। सर गौरव सर आप बताओ क्या होना चाहिए राइट आंसर? मदर और ये हो गई इंडिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर इंडिया हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। चलो तो हैवी क्वेश्चन सर मैं लेके आता हूँ, क्या आप सभी रेडी है भाई? चलो एक बार सर से फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा लोग आप लोग सर, ठीक है। ये क्वेश्चन पप्पू से है, पप्पू मतलब ये इस क्वेश्चन में पप्पू है, पप्पू की भी मैं बात बता दूं दोस्तों। सर पप्पू एक हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, और वो नागों के बीच खेलता है। अच्छा? उसको चौथी बार नाग ने काट लिया, ठीक है। तो अब ये पता नहीं कि वो बंदा मणि लाने की सोच रहा है या क्या सोच रहा है। लो तो इस क्वेश्चन में हमने पप्पू को स्पेशली रखा हुआ है, आ जाइएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है कि तीन जो डॉक्टर है, तीन डॉक्टर है, और तीन डॉक्टर कहते हैं कि पप्पू हमारा भाई है, ठीक है, तीन डॉक्टर है जिसमें वो तीनों कहते हैं कि पप्पू हमारा भाई है, लेकिन पप्पू कहता है कि मैं कि मेरे ये लोग भाई नहीं हैं, तो फिर आखिर उनके बीच में रिश्ता क्या है? क्या द्वारा से तीन डॉक्टर हैं, तीनों डॉक्टर कहते हैं कि पप्पू मेरा भाई है, लेकिन पप्पू कहता नहीं भाई ये तीनों हमारे भाई नहीं है, तो आखिर उनके बीच में रिश्ता क्या है? भाई नहीं, रिश्ता कुछ है ही नहीं, रिश्ता क्या होगा? फिर रिश्ता क्या है? सोचो फटाफट बता दो। पप्पू तीन डॉक्टर कहते पप्पू को कि ये हमारे भाई है, ठीक है, लेकिन पप्पू कहता कि नहीं ये हमारे भाई नहीं है, इनके बीच में क्या रिश्ता है? ठीक है बता दो, क्या बात है, आंसर भी आ गया। और बिल्कुल 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 रोशनी का आंसर जो है वो सबसे पहले है, ठीक है ठीक है, चलिएगा बिल्कुल सही आंसर है भाई। डॉक्टर जो होते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ये पप्पू भाई हो गया, लेकिन वो डॉक्टर क्या हो गए? उनके लिए बहने हो गई। एक मैं भी पूछूंगा सर फिर। बिल्कुल बिल्कुल अभी पूछिएगा सर, ठीक है। आज तो आप 14 तारीख को आप पूछिएगा सर, बिल्कुल वो दिन आपका है, ठीक है चलो ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर तो खैर कॉमन जेंडर है। एक बार ना एक क्या कहते हैं, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन है, तो एक बार एक बच्चा खेल रहा था, नहीं डॉक्टर इसलिए मतलब ऐसा नहीं होता, डॉक्टर दोनों होते हैं, डॉक्टर तो कॉमन जेंडर है, अभी सर पढ़ा देंगे आपको नाउन, इसको बोलते हैं ड्यूअल जेंडर,
टीचर भी क्या होता है ब्लड रिलेशन लेकर के आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ब्लड रिलेशन का चैप्टर लेकर आ रहा हूँ भाई। नेक्स्ट जैसे कल की क्लास होगी ना तो रात 9 बजे मैं ब्लड रिलेशन का चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। मतलब ये नेक्स्ट जो सेशन आपको लगने वाला ब्लड रिलेशन का, खूनी रिश्ते ठीक है, क्या कहलाता है ठीक है वही, हाँ सोच नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था, तो एक बच्चा जब खेल रहा था तो उसके पापा ने बुलाया कि बेटा इधर आओ, तो पता है बच्चा क्या जवाब देता है कि तुम मेरे बाप बेशक हो लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। बताइएगा ऐसा क्यों कहा उसने, फटाफट बता दो भाई, ये तो हमारे बिल्कुल डिट्टो हो गया, हमारे बच्चे फटाफट बता देंगे बाप है पर बाप है भी नहीं ठीक है, ये तो कॉपी पेस्ट हुआ है दोस्त, फटाफट बता दो पप्पा जी जल्दी से बता दो एक बार भाई ना, इसका आंसर रिंकी बता दो जल्दी से। हाँ देखो आंसर आ गया छोटी सेन, बिल्कुल सेन ने आंसर दिया सबसे पहले, क्या बात है, तो भाई क्वेश्चन होगा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है। गौरव सर आई लव यू बोल रहे हैं, गौरव सर आई लव यू लड़का है तो दोस्तों भाइयों बहनों ठीक है, और अब क्या मतलब उम्र देखो अपनी, बिल्कुल नहीं जो भी सर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है। चलिए मैं एक बार पूछता हूँ सर फिर से आपसे, आप लोगों से बिल्कुल क्वेश्चन पूछता हूँ, रेडी हैं आप लोग? हाँ सर, उम्र भी है दिल तो बच्चा है, लेकिन जो ये सेशन है वो मेरी घरवाली भी देख रही होगी। ये इसको कहते हैं डर खौफ, इसको कहते हैं खौफ, ये खौफ होना चाहिए जरूरी है खौफ ये ठीक है। चलो तो एक बार सर ध्यान से सुनना प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न बहुत सिंपल सा है भाई, आप लोग भी सुनना ठीक है, बिल्कुल बेटी। तो एक घर में एक अंधा एक गूंगा और एक बहरा रहता है, एक घर में कौन कौन रहते हैं, एक अंधा बंद है, आगे बताओ, एक गूंगा और एक बहरा रहते हैं। तो ये चूंकि गांव है तो गांव में ये क्या करते हैं भाई, जाते हैं फिर ध्यान से सुनना सभी लोग भाई, एक बार फिर से रिपीट करता हूं प्रश्न, एक घर में एक अंधा एक गूंगा और एक बहरा रहता है, और तभी उन लोगों का जो मतलब जो अन्न होता है जो अनाज होता है खत्म हो जाता है, तो उन लोगों को आटा पिसवाने जाना है। अब ये बताओ भाई कि आटा पिसवाने इन तीनों में से जाएगा कौन, ये सोचना है अपने को, फटाफट बता दो आंसर, समझ रहे हैं ठीक है, जल्दी से बता दो आप लोग, प्रश्न सुन समझ गए आप लोग कि एक घर में एक अंधा एक गूंगा और एक बहरा रहता है, और तभी अनाज खत्म हो जाता है, फिर उन्हें आटा पिसवाने जाना है। अब बताओ यार आटा कैसे कौन जाएगा पिसवाने के लिए, और भाई मेरे पास आंसर भी आने लगे हैं, क्या बात है, मैं आंसर के नाम बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक भैया मैं जानता हूँ आपको, आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो ठीक है ठीक है। सर क्या आप डरते हैं मैम से, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे भाई, इसका आंसर बनेगा आटा पिसवाया नहीं, आटा पिसवाया नहीं जाता है, काजल ने सबसे पहले आंसर किया था, सबसे पहले काजल ने आंसर किया, सही बात है भाई, आटा पिसवाने आटा तो पहले से पिसा हुआ है, पिसवाने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल नहीं सर, पवन कश्यप हमारा स्टूडेंट है, पवन कश्यप का आंसर भी आया कि आटा नहीं पिसाया जाता ठीक है, चलिएगा, नहीं नहीं बहुत बढ़िया शानदार। तो एक बार दोस्तों अगर आपका कोई मतलब एक अब ऐसा कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर आपको कोई भी प्रश्न अपने हाँ जी हाँ जी, बच्चे सर बच्चे सब जानते हैं पूरे सर, ये एक्चुअल में क्या है कि सर ये जो बच्चे हैं ना ये केवल बच्चे नहीं है, ये ना परिवार की तरह है, इनको मेरी हर बात मतलब पता है, हर चीज हर बात पता है सर, हर चीज इन बच्चों को पता है, हमेशा ये चीजों को समझते, मतलब ये क्या है कि ये रिश्ता जो है ना वो दिल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट है मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं, और अब सभी और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, तो एक फैमिली की तरह एक परिवार की तरह है, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी चीजें जो है निस्वार्थ रूप से बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ये ना बिल्कुल फैमिली की तरह ही है सारी चीज। और आप सब जो लोग जो आज पहली बार भी जुड़ रहे हैं या फिर जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, तो एक परिवार की तरह ही हम चीजों को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं ठीक है। सर नहीं बताते अपने बारे में, बिल्कुल तो चलो अच्छा अच्छा चलो पकड़ लिया, सुनो सुनो सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या है, आज आज बिल्कुल फ्री है, अब जो कुछ पूछना ठीक है सारी प्रश्नों के, कोई क्वेश्चन अगर आपको मलिक सर या सत्यम सर से पूछना है तो पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन पढ़ूंगा कमेंट पढ़ूंगा ठीक है, तो जल्दी से बता सर दो सर पूछेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप फटाफट एक बार पूछ लो, छोटी सेन आप पूछ रही भाई, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, बता दो भाई क्या जानना चाहते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछो, को शादी हो गई क्या, मलिक सर की शादी हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई मलिक सर, ये और मलिक सर की एक बेटी भी है, बहुत सुंदर सी बच्ची है बिल्कुल, और चलो और पूछो भाई, और क्या जानना चाहते हैं आप सभी लोग, और कोई सवाल पूछो जवाब मिलेगा, मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हो, मलिक सर सत्यम सर के बारे में जो आपको जानना है पूछो, अपने बारे में कुछ बताइए, आप लोग पूछिए बिल्कुल बताएंगे
सर फैमिली के बारे में बता दो। ओके मलिक सर फैमिली के बारे में बता दो। बिल्कुल बता तो दिया मलिक और क्या रही फैमिली बात, क्या जानना है सारे? ठीक है सत्यम सर, आप अपने बारे में बताएं भाई, पूछिए तो सही क्या जानना। बिल्कुल नहीं अंकित लर्न, आपका क्या मतलब कौन से उत्तर आप नहीं दे पा रहे बताइएगा दोस्त। गौरव सर कैंडिड है, वाह मतलब फ्रैंक है, बहुत बढ़िया, ये मुझसे पढ़ते हैं बच्चे इंग्लिश, इसलिए बहुत कैंडिड। कहां से? चलिए आप ये पहले बता दो भाई कहां कहां से हम लोग एक बार बता देते हैं। मैं बिहार से हूँ और बिहार में पश्चिम चंपारण, ठीक है, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर आप बता दो फिर, सबको पता है मेरी आवाज से मैं हरियाणा से हूँ। फिर भी सर बताइए बताइए, पता है बच्चों को मैं हरियाणा से हूँ। मलिक सर का निकनेम क्या है? मलिक सर का निकनेम क्या है? ठीक है अच्छा, मेरा बच्चों को निकनेम है ही नहीं, मेरा किसी ने प्यार से बोला ही नहीं मुझे कि सत्यम सर कहाँ से है बता दो। अच्छा सत्यम सर की गर्लफ्रेंड कितनी है? सत्यम सर की गर्लफ्रेंड कितनी है? ऐसे अभी फिलहाल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सर की जिंदगी में गर्लफ्रेंड के मामले में जीरो का बहुत अहम रोल है। कई बार ऐसा लगता है कि जो आर्यभट्ट है उसने क्या कहते हैं अगर हम बात करें तो जीरो की खोज सर के लिए की थी। सही बात है, मेरे लिए बनाई थी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मैं भी बिहार से हूँ, वेरी गुड रेशमू। और गौरव सर जो भी बच्चे जुड़े हैं उनकी सारी भावनाओं को समझ जाते हैं बिना बताए, क्या बात है। ठीक है बाबा जी, ये बाबा जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सत्यम सर और मलिक सर कहाँ कहाँ से आते बता तो दिया आप लोगों से। बच्चों की एक डिमांड आ रही है कि सत्यम सर भोजपुरी में गाना सुनाएंगे, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। यार भोजपुरी में मैं बोल लूं इतना काफी है, लेकिन गाना तो मुझे नहीं आता। सर आप कहाँ से हो? सत्यम सर आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ और बिहार में पश्चिम चंपारण से हूँ। ठीक है, और वाल्मीकि नगर आपने सुना होगा, वहीं से हूँ, उसी के आसपास में। सत्यम सर का डांस देखना चाहते हैं? ओके तो सत्यम सर डांस करेंगे भाई, यार डांस करेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को नहीं सर, नहीं 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 सर, अरे सर नागिन डांस करवाएंगे सर से, बिल्कुल। अरे यार चलो मलिक सर युगांडा की क्यों मतलब क्यों क्या चाहते हो तुम लोग यार, मतलब खेसारी लाल का ये देखो, खेसारी लाल का गाना कौन सुनने को रेडी है भाई? ठीक है आप ही बता दो कौन सा खेसारी लाल का गाना है, मैं भी तो जानू। लगावे लू जब लिपस्टिक, अरे यार खतरनाक है, मान जा मतलब अदे यार, बड़े हेवी ड्राइवर बन रहे हो यहाँ पे। चलो सर मलिक सर की वॉयस अच्छी है, अरे वाह वेरी गुड सानू। मलिक सर की, मलिक सर हरियाणा से कहाँ से? कंपाला। पंजाबी में सॉन्ग मलिक सर प्लीज, सर प्लीज पंजाबी में। सर हम बिहार से है और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्यार नहीं होगा हुआ होगा किसी से, हुआ लेकिन यार मतलब ना वो हुआ तो है यार, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है तो यहाँ कहाँ से हैं? मैं दोस्त यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, सपनों का प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश सपनों का प्रदेश, अपनों का प्रदेश, योगी जी का प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, जहाँ से गंगा नदी एंटर करती है। भागलपुर से नदी निकलती है, गंगा नदी बिजनौर से एंटर करती है, तो बिजनौर से हूँ दोस्त। मैं सर की आवाज लेजेंड भाई, लेजेंड बच्चा आवाज के लिए नहीं यूज करते है, इंग्लिश क्लास गाना सुना है 26 जनवरी को। और गौरव सर से भी सुन लो भाई, गौरव सर के सुन रखे सर उन्होंने। अच्छा यहाँ पे सुना, यहाँ पे सुना दो, यहाँ पे सुना दो सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आज आपकी बारी सर, आवाज सुनाओ आप। बिल्कुल सर ये सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए इवेंट होना चाहिए भाई, अलग से होगा 14 तारीख को, उस दिन सुनाएंगे 14 तारीख को एकदम मस्त। 14 तारीख को गाना सुनना है मेरा, बिल्कुल 14 तारीख को गाने होंगे, अंतराक्षरी होगी। तो 14 तारीख को क्या होगी? अंतराक्षरी होगी हम तीनों में आपस में। गिर जाए तो बाहर कैसे आएगा? ठीक है फटाफट, अगर हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो बच्चे को सर पूछ रहे हमसे अब जी। अरे बाप अब तो वाट लगे, बाहर कैसे आएगा बाहर भाई, वो अपने पैर से आएगा और कैसे आएगा बाहर? अगर हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो बाहर कैसे आएगा? सर बहुत लेट है 14 फरवरी, कोई नहीं इंतजार, लेट कहाँ है भाई, हर दिन ऐसे जाएंगे दिन, तैयारी भी तो करनी है, हमारे तो किसी एग्जाम से कम नहीं है। गाना सही बात है, ठीक है हमारा तो एग्जाम है ना, तो हमारा तो एग्जाम समझ लो 14 तारीख को। और जब आपसे बोल दिया 14 तारीख को ना हमारे तीनों के बीच में अंतराक्षरी होगी, ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि फिर जो है वो आप लोग हेल्प करेंगे जो गाना हम नहीं सुना पाएंगे। ठीक है चलिएगा, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। मैं भागलपुर से हूँ, बिहार में हमारे गौरव सर हैं। अच्छा वेरी गुड, क्या बात है। तो ओके अब हम इस कार्यक्रम का जो पानी भर जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम का अब हम यहाँ पर जो है एक तरीके से कुछ ठीक है 5 मिनट में समापन करते हैं, और जो आप लोगों के प्रश्न होंगे कैसी लगी आपको चीजें तो ये आप एक बार बता देंगे। बहुत सारी चीजें थी आप लोगों के साथ में डिस्कस की, दिखाओ बोल के हरियाणवी, ठीक है हरियाणवी बोलो सर, बिल्कुल क्या बोलना भाई, बोले हरियाणवी, बाकी मेरे सब टोन भी हरियाणवी लग रही है। आप बताओ क्या चाहते हो मुझसे, क्या सुनना चाहते हो मुझसे आप, जल्दी से
लाइन बोलो बच्चा, आपको लाइन हरियाणा कैसे लाइन बजाती है? डांसर कौन है? डांसर तो हमारे ये सर है, डांसर खतरा डांस करते हैं, नागे डांस करते हैं। सर आप लोगों ने क्या लिखा हुए और ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में थे तो कैसे पढ़ाई की? ये पढ़ाई की बातें आज तो नहीं करेंगे हम, आज पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। चलो एक चंद लाइनें सुनाता हूँ, थोड़ा सा ये मोटिवेशनल बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है, और आप लोगों के दिलों को छू जाएगी, और ये चीजें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सर। करते हैं इसी के साथ में हम समापन भी कर देते हैं। चलिए सुनाइए सर। कल एक झलक ओ एक कल सर हंसी है सर, ध्यान से सुनिए। झलक से सर हो गया मुझे। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे गुनगुना रही थी। हाँ, कल उसने कैटरीना कैफ ने एक फोटो रिलीज किया था अपने हनीमून पे गई। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, वो हंसी और बोली मैं जिंदगी हूं, तुम्हें जीना सिखा रही थी। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो बस इसी शब्दों के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं। ऐसे नहीं भाई, सब बोलेंगे क्या, भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता की जय और जय हिंद के साथ में इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। और सर नहीं सर, मैं बोलता क्लास खत्म हुआ, कमेंट बॉक्स जाना, ठीक है, कमेंट करना सारे बिल्कुल। और आज ना जो भी मतलब इस क्लास में, जब ये क्लास खत्म हो जाए तो जय हिंद का कमेंट करना, और इस तरह की चीजें भी लाएंगे, मौज मस्ती भी चलती रहेगी। लेकिन उसी के बीच में आपको बता दूं, कल से वापस जैसे हमारी क्लासेस चलती थी सुबह 7 बजे से, तो 7 बजे करंट अफेयर, फिर 9 बजे से एसएससी का, जिसमें 11 बजे सर पढ़ाते हैं, 12 बजे मैं पढ़ाता हूं, शाम को सत्यम सर पढ़ाते हैं आप लोगों को 9 बजे, ठीक है। तो पूरी टीम आप लोगों का पूरे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, हम एक परिवार की तरह है, जहां पे हंसी मजाक भी चलेगी और आपके कैरियर का भी पूरा ध्यान रखा रह जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसी तरह के और भी सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो एक बार जल्दी से सभी साथी, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, कमेंट में कमेंट करेंगे जय हिंद दोस्तों। ये बताना मजे आए नहीं आपको, मजे आए बोलो, मजे आए कैसा लगा? बिल्कुल, कितने मजे आपको आए, ठीक है। तो चलिएगा, जय हिंद, आज की क्लास को हम यहीं पर